अपने वक्त में नहीं पड़ा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम वक्त के पाबंद नहीं है तो हमारी नमाज अभी अधूरी है। अभी हम नमाज जो पढ़ते हैं उसके अंदर कमी है, उसके अंदर घुसते हम मुसलमान हैं। हमको चाहिए कि हम वक्त के पाबंद रहे। अगर मानो ये 10 बजे ये जितने बजे शुरू होता है हमें चाहिए कि वक्त पर आए। हम देखते हैं कि लोग आ रहे बच्चे जा रहे हैं। याद रखो अपनी जिंदगी के अंदर जो बच्चा या बड़ा या छोटा वक्त का पाबंद नहीं होगा वो जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। आप किसी भी वजह से चले जाओ, अगर आप वक्त के पाबंद नहीं हो आपको वहाँ से बर्खास्त कर दिया जाएगा, आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। लिहाजा वक्त के पाबंद बने। अगर आप वक्त की कदर करेंगे यार अल्लाह ताला आपको दुनिया के अंदर चमकाएगा, वक्त आपको मौका पाएगा। अगर वक्त की आप कदर नहीं करेंगे तो वक्त आपको बर्बाद करेगा। लिहाजा आप हमेशा आप एक बार याद रखें, हम वक्त की कदर करेंगे और जो भी काम होगा हम उसको वक्त में अदा करेंगे।